हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर वीडियो में हम क्यूटेनियस माइकोसिस के बारे में पढ़ेंगे आइए तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूँ क्यूटेनियस माइकोसिस का मतलब है माइकोसिस का मतलब होता है सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन एंड क्यूटेनियस माइकोसिस में फंगल इन्फेक्शन स्पेशली हमारे क्रेटेनाइज एपिडोमस में होता है लाइक स्किन हेयर एंड नेल्स में सो क्यूटेनियस माइकोसिस में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है डर्मेटोफाइटोसिस उससे हम शुरू करते हैं तो बेसिकली डर्मेटोफाइटोसिस रिंग वॉम डिसीज होते हैं हमारे नेल्स के हेयर्स के स्ट्रेटम कॉर्नियम ऑफ द स्किन के जो कि फंजाई के द्वारा कॉज किए जाते हैं जिनको हम डर्मेटोफाइट्स कहते हैं स्टूडेंट्स डर्मेटोमाइकोसिस क्या होता है तो ऐसे नो माइकोसिस इज फंगल इन्फेक्शन डर्मेटोमाइकोसिस मोर जनरल नेम होता है किसी भी स्किन डिसीज़ के जो कि फंगस के द्वारा कॉज किया जाता है स्टूडेंट्स ट्यूटेनियस माइकोसिस में इन्फेक्शन हमारे स्किन हेयर और नेल्स में होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ क्रिटेनोफिलिक फंजाई के द्वारा कॉज किया जाता है जिसको हम डर्मेटोफाइट्स कहते हैं एंड डर्मेटोफाइटोसिस इज इक्वल टू तीन स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि ये इन्फेक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली कन्फाइंड होते हैं केरेटिनाइज से स्किन हेयर एंड नेल्स के एंड इनको हम डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं एंड फोर्टी स्पीशीज़ होती हैं जेन इनकी जेनरा में ट्राइकोफाइटॉन माइकोस्पोरम एंड एपीडर्मेटोफाइट एपीडरमोफाइटॉन स्टूडेंट्स ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होते हैं एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं एंड पॉजिटिव एजेंट होते हैं रिंग uh, का जो कि वैरी करता है केस टू केस स्टूडेंट्स अगर हम इनके नेचुरल रिज़र्व ऑयर्स की बात करें तो ह्यूमंस एनिमल्स एंड सॉयल ये इनके नेचुरल रिजर्व ऑयर है एंड इन्फेक्शन फैसिलिटेट होता है यहाँ पे मॉइस्चर वॉर्म एंड स्पेसिफिक स्किन केमिस्ट्री कॉम्पोजिशन ऑफ सेबम एंड पेस्परेशन यूथ हैवी एक्सपोजर एंड जेनेटिक पेडियस पोजिशन से स्टूडेंट्स या लॉन्ग इन्फेक्शन पीरियड जो है वो फॉलो किया जाता है लोकलाइज इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जिक रिएक्शन फंगल प्रोटीन्स के लॉन्ग इन्फेक्शन पीरियड फॉलोड बाय लोकलाइज इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शंस टू फंगल प्रोटीन्स स्टूडेंट्स डॉमेटोफाइट्स की बात करें तो ये डाइजेस्ट करते हैं कैरेटीन को एंड कैरेटीन को डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास एक इंसाइन प्रेजेंट होता है करेटिनेस कैरेटिनेज़ इंसाइन के हेल्प से ये केरेटिन को डाइजेस्ट करते हैं एंड ये रेसिस्टेंट होते हैं साइक्लोहेक्गजामाइट के लिए इनको क्लासीफाई किया गया है थ्री ग्रुप्स में वो डिपेंड करता है, है इनके यूजुअल हैबिटेट पे क्लासीफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स डिपेंडिंग ऑन देअर यूजुअल हैबिटेट्स इनके यूजल हैबिटेट के आधार पर इनको तीन ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है सो so, डर्मेटोफाइटोसिस की क्लासिफिकेशन की बात करें तो थ्री ग्रुप्स है क्लिनिकल इटोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल स्टूडेंट्स क्यूटेनियस माइकोसिस एज वी नो और जैसा कि अभी हमने पढ़ा ये कैरेटोफिलिक होते हैं करेटोफिलिक का मतलब है ये करेटीन को यूज़ करते हैं ये करेटीन को यूज़ करते हैं एज सब्जेक्ट टू लिव दे यूज करेटीन एज सब्जेक्ट टू लिव एंड इनको कैरेटीन को यूज़ करने के लिए इनके पास एक इंसाइम प्रेजेंट होता है करेटिजिस सो so, करेटिजिस्स क्या रोल प्ले करता है तो इन्वेट ओनली करेटिनाइज लेयर्स करेटिनेज इंसाइन की हेल्प से ये सिर्फ और सिर्फ करेटिनाइज लेयर्स को इन्वेट करते हैं स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं तीन या बार बे जो कि रिंगों होते हैं बियोर्ड एरियाज़ पे फेस फेस पे फे, फे, नेक पे तो इनकी क्लिनिकल डर्मेटोफाइटोसिस की बात करें तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन एंड मैनिफेस्टेशन पढ़ें हम तो इन्फेक्शन इज नेम्ड अकॉर्डिंग टू द एनाटॉमिक लोकेशन इन्वॉल्व एनाटॉमिक लोकेशन के इन्वॉल्वमेंट के आधार पे इन्फेक्शन को यहाँ पे नाम दिया जाता है लाइक टीनिया कॉर्पोरिस टीनिया कॉर्पोरिस स्मॉल लेशन होता है हमारी बॉडी पे कहीं भी हो सकता है एंड अगर हम टीनिया पेडिस की बात करें तो एथलिट्स फूड कहा जाता है इसको जिसमें इन्फेक्शन टो वेब्स एंड सोल्स ऑफ द फीट में होता है टीनिया उंगियम की बात करें तो ये नेल्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं टीनिया कैपिटिस की बात करें तो ये हेड में इन्फेक्शन कॉज करते हैं फ्रिक्वेंटली चिल्ड्रेन में ये ज़्यादा पाया जाता है स्टूडेंट्स अगर हम इनकी इटियोलॉजी की बात करें इटियोलॉजी ऑफ डर्मेटोफाइट्स तो थ्री जेनरा है हमारे पास ट्राइकोफाइटॉन माइकोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन। स्टूडेंट्स ट्राइकोफाइटॉन में नाइनटीन स्पीशीज आती हैं जो कि हेयर स्किन एंड नेल्स को इन्फेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स ट्राइकोफाइटॉन की बात करें तो ट्राइकोफाइटॉन स्पीशीज के लिए इन्फेक्शन जो है वो हेयर में होते हैं एंड फॉलो वन ऑफ द फोर पैटर्न इन्फेक्शन ऑन हेयर फॉलो वन ऑफ़ द फोर पैटर्न्स इन इन चारों में से वन ऑफ द फोर पैटर्न को ये फॉलो करते हैं सो फर्स्ट इज एक्टोथ्रिक्स सेकेंड इज लार्ज स्पोर्ट एक्टोथ्रिक्स थर्ड इज ब्लैक डॉट फोर्थ इज फेवस हेयर्स स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं ट्राइको स्पीशीज को इस स्लाइड में ये किस तरीके से दिखते हैं ट्राइको फाइटॉन की बात करें तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज करते हैं पेशेंट्स में विद अ सेल मीडिएटेड इम्यून डिफेक्ट स्टूडेंट्स माइकोस्पोरम की बात करें तो थर्टीन स्पीशीज़ इनकी होती है जो कि स्किन एंड हेयर्स को इन्फेक्ट करते हैं एंड एपिडर्मोफाइटोन फ्लोकिसम की बात करें तो ये स्किन एंड नेल्स को इन्फेक्ट करते हैं अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें डर्मेटोफाइट्स के ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे थेरेपी में क्या होता है कि इन्फेक्टेड और डेड एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स को रिमूव किया जाता है एंड देन अप्लाई किया जाता है एप्लीकेशन की जाती है ट्रॉपिकल एंटीफंगल केमिकल और एंटीबायोटिक की फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव किया जाता है इन्फेक्टेड एंड डेड एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स एंड देन अप्लाई किया जाता है ट्रॉपिकल एंटीफंगल केमिकल और एंटीबायोटिक को ट्रीटमेंट ऑफ डर्मेटोफाइट्स इंक्लूड टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट्स हम टॉपिकल एंटीफंगल एजेंट्स को यूज़ uh, करते हैं डर्मेटोफाइट्स के ट्रीटमेंट के लिए लाइक टोलनाफेपटेट माइकोनाजोल अप्लाई किया जाता है सेवरल वीक्स के लिए uh, जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे स्टूडेंट्स आई होप आपने इंजॉय किया होगा आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के थैंक यू सो मच